फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि एक डीडी फ्री डिश को कैसे रिपेयर करें, मतलब कि जैसे कि जीरो शो कर रहा है या हैंग हो रहा है या चलते चलते अचानक से बंद हो जा रहा है या फिर इन्वर्टर की जैसे आपका इन्वर्टर से चल रहा है उसके बाद आप लाइट आती है तो वैसे ही ये हैंग हो जा रहा है पूरा। कभी कभी जीरो लिख के आता है, कभी एक, कभी दो, मतलब कुछ भी हैंग हो जा रहा है कुल मिला के, और कभी कभी तो इसमें जीरो ही लिखा हुआ रहता है तो कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कैसे ये सही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को अब सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए अब हम इसे पहले मेंस में कनेक्ट करते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर दिया तो देखिए अभी ये सही चालू हो गई है और ये देखिए रीडिंग आई, गायब हो गई। देखिए इसी तरीके से ये होता है। देखिए मैं स्विच बंद करके फिर से ऑन करता हूँ, ये देखिए आपकी ये ऑन हुई और देखिए लोडिंग हो रही है। अब ये देखिए चालू हो गई, देखिए फिर से हैंग हो गई, देखिए फिर से देखिए जीरो जीरो आ गई, फिर देखिए गायब हो गई। तो ये कुल मिला के इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी जीरो होता है, कभी हैंग हो रही, कभी कुछ हो रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये चल नहीं पा रही। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब हम इसको एक बार इसमें आपको लगा करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, इस जो आप देख पा रहे हैं क्रिस्टल कंपनी की जो हमारी ये टीवी है जो मैंने हैंडमेड बनाई हुई है, ये देखिए, और ये टेस्टिंग के काम करती है। तो देखिए अब मैं इसकी स्विच को करता हूँ ऑन, देखिए मैंने किया ऑन और ये देखिए इस तरीके से ऑन हुई है और देखिए चालू हुई और ये देखिए ये फिर से बंद हो रही है, हैंग हो रही है, काम नहीं कर पा रही है। देखिए डिस्प्ले चली गई, काम नहीं कर पा रही है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और उसके बाद आपको इसे रिपेयर करना बताते हैं। तो देखिए बार बार चालू होती है, बंद होती, हैंग होती है। तो हम इसे ओपन करते हैं पहले। तो आपको मल्टीमीटर को 200 DC पर रखना है और इसके बाद एक नॉब को आपको ग्राउंड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राउंड करना, जैसे कि आपको ये जो आप देख पा रहे हैं जो एंटीना होता है, मतलब कि जो यहाँ पे उसका तार लगता है LMB इन का या LMB आउट का, तो उसमें आपको इसे लगा के रखना है। या फिर यहाँ पे देखिए ग्राउंड लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पर लगा देता हूँ और आपको इधर किनारे चेक करना है। देखिए 3.3 वोल्ट बता रहा है, 3.4 वोल्ट सही है। और इधर सेकंड नंबर पर ग्राउंड होता है इसमें और थर्ड नंबर पर आपको 12 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 17 वोल्ट मिल रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं 24 में 23 वोल्ट मिल रहा है, नहीं 23.4 24 वोल्ट ही सही है। और लास्ट में आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, 5.2 वोल्ट मिल रहा है, ये भी सही है। और जो 12 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा है। तो अब आपको इसके इस साइड भी जो ये बेल्ट लगा हुआ है इधर भी आपको टेस्ट करना है वोल्टेज एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हम एक यहाँ पे ग्राउंड पे लगाते हैं और इधर लगाते हैं, देखिए 3.2 वोल्ट, ये भी ये रहा ग्राउंड। और उसके बाद 12 वोल्ट की जगह 16.9 यानी 17 वोल्ट आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये 23 वोल्ट सही है, 23.2 है। और इधर चेक करते हैं तो इधर ये 23.23, वो बात वही है, सही आ रहा है इधर भी। और उसके बाद चेक करते हैं तो ग्राउंड है और उसके बाद चेक करते हैं 5.2 वोल्ट, ये भी सही है। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो ये बेल्ट जुड़ा हुआ है जो कि इधर 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, तो ये यहाँ से सोल्डरिंग आउट है, मतलब कि आपको तो ऐसा दिख रहा है जॉइंट है पर ये लूज है। तो हम इसे इसलिए चलता है, कहीं बंद होता है यहाँ से, जैसे जब ये सप्लाई देना छोड़ देता है तो आपकी मशीन बंद हो जाती। तो इस तरीके से आपको इसमें जो है थोड़ा सा टाइट कर देना है इसको, आपको इसमें पेस्ट लगा करके इसे इस तरीके से टाइट कर देना है। तो देखिए अब ये अच्छे से सोल्डरिंग हो गई है इसमें और ये अब सही हो चुका है फाइनली। तो यहीं से मतलब यहाँ पे पॉइंट लूज था इसीलिए चलता था बंद होता था, चलता था बंद होता था और हैंग भी होता था। तो इस प्रॉब्लम से अब इस तरीके की प्रॉब्लम आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं और इसमें यही था फॉल्ट। और इस तरीके से अब चालू हो चुका है,
तो आपको मैंने जैसा बताया यहाँ पे आप सप्लाई चेक करिए, अगर सप्लाई आ रही है, पर ये भी जरूरी है, जैसे कि मैं सप्लाई चला रहा था तो सप्लाई यहाँ पे स्टॉक कर रही थी तो ये चालू हो जाती थी और थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाती थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से हिला के देखा तो ये चलना बंद हो गई। तो मैंने तुरंत देखा कि पीछे साइड इसका जैक शायद ढीला होगा, तो मैंने पीछे देखा जैक ढीला निकला, तो इसका जैक मैंने टाइट कर दिया और ये बराबर चालू हो गया है। तो इस तरीके से थी हमारी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को अब सब्सक्राइब करें। तो हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, आपको एक बार इसे टेस्ट करके भी टीवी पर दिखाता हूँ। तो देखिए अब हमने इसमें इस तरीके से कर दिया कनेक्ट और ये देखिए अब चालू है और देखिए हमारी टीवी भी इस तरीके से चल रही है और कितनी गजब की चल रही है। तो देखिए इस तरीके से इसमें भी रीडिंग चालू है और अब मैं थोड़ा सा आपको पास से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारी टीवी चालू है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को अब सब्सक्राइब करें। थैंक यू।